जिनको शपथ ग्रहण नहीं लेने आता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर आप सच्चाई देखें आपको कोई जेल करेगा फिर हम दोनों आंदोलन करें। हम कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। मनीष कश्यप भी आ रहा है गांधी मैदान में। सच्चाई मीडिया कर्मी को जेल नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप जो भी है उस सच्चाई। सरकार ने विद्यालय में कंप्यूटर नहीं लगाया, मनीष कश्यप कंप्यूटर लगाया। सरकार क्या उनसे पूछने गई अभी तक में कौन मीडिया वाला है? मनीष कश्यप मुद्दा सरकार से पूछने गए? पूछने गए? हम मांग करते हैं सरकार से कि अगर सरकार में सही सलामत राज करना है तो एक जाति पर टारगेट लेकर अरेस्ट मत कीजिए। अच्छा, ये हम बिहार की राजधानी पटना में है और पटना से आप तस्वीरें ये देख सकते हैं। पटना से ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पटना के हम सड़कों पर देख सकते हैं आपकी किस तरह से यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में जैसे कि मनीष कश्यप को लेकर रिहाई को लेकर के काफ़ी यहाँ पर जोरों शोरों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो वो भी मैदान में उतर चुकी है मनीष कश्यप के रिहाई को लेकर के। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे कैमरे से कि यहाँ पर आपको काफ़ी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और इन लोगों की मांग है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरह से रिहा किया जाए। कोई सरकार का ताकत होगा ना तो उसको आने से रोक देगा। देख लेंगे आरजेडी को, नीतीश को देख लेंगे, आरजेडी को भी देख लेंगे। किसी का माइक लाल में ताकत नहीं कर। अभी तो 25 तारीख को तेजस्वी खुद जेल जाएगा। देखिए ना, जब कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में खुद जाएगा 25 तारीख को। तब सीबीआई मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप नहीं जिनको शपथ ग्रहण नहीं लेने आता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब तक न्याय में फैसला नहीं हो न्यायालय में तब तक अच्छी जगह निकालूंगे। उसके साथ तो आतंकवादी जैसा सलूक हो रहा है। यादव चालक घोटाला मंदिर गए थे कहीं नहीं दिया। अभी मनीष कश्यप तेजस्वी यादव लैंड घोटाला में जाएगा। घोटाला हुआ था बिहार में, बिहार सरकार कहाँ था? सर मेन वजह मनीष का सबको दबाया जा रहा है राजनीतिक दबाव के कारण। बिहार पुलिस ऐसा कर रही है वरना नहीं करती। लग रहा है कि स्टूडेंट गरीबों रोजगारों के लिए कोई आवाज उठाने वाला है तो मनीष।